जय गुरु जी संगत जी, आज 15 अगस्त है संगत जी, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है। साथ ही साथ आज वीरवार का भी संगत जी बड़ा स्पेशल दिन है। आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, अगर आपने एक बारी दिल लगा के वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो, आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस, जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आज मैं आपको बता दूं एक बात, आज के टाइम में ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे, क्योंकि आजकल सभी परेशान है संगत जी। सबको अपना घर चलाना है, लोगों से अपना घर तो चलता नहीं है ना, अपने घर के लिए पैसे पूरे पड़ते नहीं है संगत जी, तो कोई किसी को क्या देगा आप मुझे बताओ। काम धंधे है नहीं लोगों के, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो आजकल सभी परेशान बैठे हैं, किसी के पास फालतू पैसा नहीं है। जिनके पास है, जो अमीर लोग हैं, जो लाखों रुपए लेके बैठे हैं, करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं संगत जी, उनके पास पैसा तो बहुत है, कोई शक नहीं है, पर संगत जी पैसा किसी को देने के लिए ना दिल चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात है दिल चाहिए होता है संगत जी, वो तो किसी को 10 रुपए दे के खुश नहीं है अमीर लोग संगत जी। उन्होंने कभी मतलब वो 10 रुपए किसी को नहीं देते कि चल भाई तू चाय पी लियो, कुछ खा लियो, संगत जी उनका दिल नहीं होता ना, दिल नहीं होता। पैसा बतेरा होता है पड़ा हुआ, दिल नहीं होता। पर वहीं आप किसी रिक्शे वाले के घर में जाओ, रिक्शे वाले की झुग्गी में घर में क्या संगत जी, उन लोगों की बेचारों की झुग्गियां ही बनी होती हैं। आप उनकी झुग्गी में जाओ, वो बेचारा आपको अपने सर पे बिठा लेगा संगत जी, आपको अपनी पलकों पे बिठा लेगा, वो चाय पानी रोटी सब कुछ आपको खिलाएगा पिलाएगा संगत जी। उसके पास पैसा नहीं होगा पर वो फिर भी संगत जी आपको खिलाएगा पिलाएगा, क्योंकि उसके पास है दिल। सबसे बड़ी बात है दिल होना बहुत जरूरी है संगत जी। मैं तो आज आप सबके सामने गुरु जी को यही कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात अभी तो है, और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत संजय अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय अरोड़ा करोल बाग दिल्ली में रहता हूँ, गुरु जी की संगत हूँ। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं ये बात कि हमारा गुरु जी के साथ में, मेरा गुरु जी के साथ कोई लेना देना नहीं था, ना तो मैं गुरु जी को मानता था, ना मेरा विश्वास था। और संगत जी मैंने गुरु जी के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली हैं, बड़ा मजाक उड़ाया गुरु जी का संगत जी। पता नहीं होता ना, पता नहीं होता संगत जी कि ये साक्षात शिव जी महाराज हैं, भोले भंडारी हैं। संगत जी मेरे को लगता था कि गुरु जी हमारे जैसे इंसान हैं और लोग पागल हुए बड़े हैं गुरु जी के पीछे। मुझे क्या पता संगत जी कि हमारे जो गुरु जी हैं वो तो साक्षात भोले भंडारी हैं, वो तो इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं अपनी संगत पर कि कभी किसी को बताया भी नहीं जा सकता। इतनी ब्लेसिंग मिलती है संगत जी, बताना बड़ा मुश्किल है, कैसे बताऊं। तो मैंने गलतियां बड़ी करी संगत जी, गुरु जी पर विश्वास ही नहीं किया, जबकि बुलावा गुरु जी का बहुत बार आया संगत जी।
मैं उस बुलावे को ठुकरा देता था कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं मानता, ऐसे ही होते हैं, ढोंग मचाया हुआ है, लोग पागल हुए पड़े हैं गुरुजी के पीछे, ऐसी ऐसी बातें मैंने बड़ी बोली हैं संगत जी, बहुत बोली है, मैं झूठ नहीं बोल रहा संगत जी, मैं चाहता तो मैं ये सारी बातें छुपा लेता और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें ही मैं आपके साथ शेयर करता, पर नहीं संगत जी, ये गुरु जी का सत्संग है, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, गुरु जी का नाम लेकर मैं आज का ये अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं संगत जी। और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का भी बटन आ रहा है, उसको आप जरूर दबा देना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम संजय अरोड़ा है, मैं करोल बाग में रहता हूँ दिल्ली में, और मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ शुरू 2023 में हुई थी, पिछले साल में। संगत जी, मेरी बेटी मरने लगी थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, संगत जी हम लोग कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, संगत जी मैं एक ज्वेलर हूँ, मेरी ज्वेलरी की दुकान है संगत जी, सुनियार की दुकान है मेरी एक, यहीं पे करोल बाग के अंदर, नाम नहीं लूंगा संगत जी, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बारे में आपको बड़ा चढ़ा के या अपनी अच्छाइयाँ आपके साथ शेयर करूँ कि मैं तो भाई बड़ा अच्छा हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं ये मैं वो, मैं नहीं चाहता संगत जी, मैं चाहता हूँ जो बात है क्लियर कट मैं आपके साथ शेयर करूँ जो मेरे साथ में हुआ है संगत जी। मेरी बेटी संगत जी 5 साल की, एक दिन हो गई बड़ी बीमार, कहती पापा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। मेरी आंटी ने उसको जो घर में दवाइयां पड़ी होती हैं संगत जी, पेट के इन्फेक्शन की या वैसे कुछ दवाइयां, जैसे पेट की भूख लगे जिससे पेट ठीक रहे, ये वो, मतलब ना वो दवाई मेरी आंटी ने दे दी मेरी बेटी को कि चल तेरा मतलब ठीक हो जाएगा, अभी 1.5 घंटे में 2 घंटे में ठीक हो जाएगी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। संगत जी, हमें क्या पता कि वो पेट का दर्द ही नहीं है, वो सिर्फ पेट का दर्द नहीं है, वो दर्द तो अंदर का एक बीमारी आई हुई है पेट में, उसका दर्द है। संगत जी, एक दिन ऐसी बीत गया, अगले दिन जैसी मेरी बेटी सुबह उठी, चिल्लाते हुए उठी, पापा पापा, मम्मी मम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी, मैंने कहा बेटा चल फिर, आज मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेकर ही जाता हूँ, क्योंकि देख रोज रोज तेरे को दर्द होगा, दवाई खाएगी, फिर आराम आ जाएगा, फिर दर्द हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, जो है उसका इलाज करेंगे तो वो दर्द कभी आएगा ही नहीं। देखो संगत जी, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, कौन से माँ बाप हैं ऐसे जो बुरा सोचते हैं, कोई नहीं सोचता संगत जी, हर माँ बाप, चाहे वो झुग्गी में रह रहे हों या फिर वो करोड़ों रुपए की कोठी में रह रहे हों, है ना, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। संगत जी, मैं ले गया डॉक्टर के पास, हमारे यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं, मेरे को जानते भी हैं संगत जी। मैं ले गया अपनी बेटी को, पहले उसका वेट वगैरह सारी चीज़ें हुई जो चेक करते हैं डॉक्टर इस मतलब इस एज में, 5 साल की एज में जो चेक करते हैं, सारी चीज़ें हुई, फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं हुआ क्या इसको, मैंने बताया इसका पेट में बहुत दर्द है और मतलब ये वॉशरूम भी नहीं जा पा रही क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम तो बड़े दुखी हो गए डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज करो, इसको जो भी है आप उसको ठीक करो डॉक्टर साहब। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे उसी दिन ब्लेस करना था, पर मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं गया, कैसे नहीं गया बताता हूँ अभी आपको। संगत जी, हुआ क्या, मैं जैसे ही डॉक्टर साहब के पास में गया ही था ना अपनी बेटी को लेके, मेरे को वहीं बैठे बैठे कॉल आ गया। कॉल किसका था, जिस गली में मैं रहता हूँ ना, उस गली के जो मेन जो अमीर लोग हैं, यानी कि जो जैसे संगत जी होता ही है, जहाँ पे एरिया में रहते हो, जिस एरिया में आप रहते हो, वहाँ होते हैं एक दो ऐसे परिवार जो बड़े अमीर होते हैं और उन्हीं की चलती है, उन्हीं की चलती है सारे इलाके में।
संगत जी उनका फोन मुझे आया, कहते बेटा आज ना हमारे घर में सत्संग है गुरुजी का, तो आ जाइयो, अपनी आंटी को भी ले आइयो, मम्मी पापा को भी ले आइयो, तो बेटा तू आ जाइयो हमारे घर पे। संगत जी अब आप देखो मैं बैठा डॉक्टर के पास हूँ, अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं डॉक्टर के पास हूँ, मैं गुरुजी के मतलब आप कह रहे हो सत्संग में आना है। तो संगत जी मैं ना बड़ा मतलब एक तरीके से मेरे को बड़ी टेंशन सी हो गई कि अरे अब क्या करूंगा, अब यहाँ पहले डॉक्टर से दवाई लूं बेटी ठीक हो या वहां जाके गुरुजी के सत्संग में जाके बैठ जाऊं। संगत जी ऐसी बात आ गई दिमाग में, तो डॉक्टर को फिर मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये बेटी को क्या हुआ है मेरी बेटी को, वो कहते इसका ना पेट में इन्फेक्शन हो गया इसके, तो आप दवाइयां इसको दो, ये मैंने आपको दे दिए दवाइयां, ये आप दो इसको, 5 दिन बाद आप एक बार फिर से मुझे दिखा देना। ठीक है संगत जी। अब उसी दिन था सत्संग शाम का, मैं घर आया, मैंने घर आके मम्मी पापा अपनी आंटी सबको बोला कि उन अंकल का फोन आया था वहां जाना पड़ेगा, गुरुजी का सत्संग है तो वो बुला रहे हैं, तो पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, मेरी आंटी कहती चलो मैं चल पड़ती हूँ, मैं और आप चल पड़ते हैं। मैंने कहा आप देख लो मेरा तो मन है नहीं जाने का, मैं ना मानता हूँ इन चीजों को और ना मेरा मन है जाने का। संगत जी बिना मन के उस दिन मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गया था, और मेरी बेटी घर मेरे, क्योंकि संगत जी वो बीमार थी ना, उसको दवाइयाँ मतलब खानी थी टाइम टू टाइम, तो पापा मम्मी को मैं बोल गया था पापा मम्मी आप इसको दवाई दे देना, और ये मतलब इसके पेट में इन्फेक्शन है। ठीक है, हो जाता है संगत जी इन्फेक्शन है ना। तो हम लोग गए वहाँ, बड़ा मेरी आंटी को तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके, अरे देखो कितना कितने लोग आते हैं, कितनी संगत आती है, इतना अच्छा लगता है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें वहाँ जाके देखी। संगत जी थोड़ी देर के बाद मतलब प्रसाद वगैरह लेकर ना मैं घर आ गया, वो अंकल ने पूछा भी तेरे मम्मी पापा कहाँ है, मैंने कहा बस वो ऐसे ही नहीं आए, वो घर हैं, थोड़े उनकी तबीयत थोड़ी ढीली है, मैंने ऐसे बोल दिया, और बेटी मैंने कहा बेटी की भी तबीयत ढीली है तो इसलिए वो घर पे और हम ही आ गए, कहते कोई बात नहीं। संगत जी मैं घर आ गया प्रसाद वगैरह लेने के बाद ना, मेरे को अपनी बेटी की चिंता थी कि मतलब दवाई वगैरह देनी है, सब चीजें करनी, पापा मम्मी बेचारे कहाँ वो अपना करेंगे कि मेरी बेटी का करेंगे, वो अपनी दवाइयां खाएंगे या उसको देंगे, सबसे बड़ी बात ये है। संगत जी तो घर आया, घर आते मैंने देखा तो मेरी जो बेटी है संगत जी 5 साल की, उसका नाम संगत जी कनिका है, कनिका। तो मैंने देखा कनिका ना मतलब सो तो रही है, सो रही है कोई वो बात नहीं थी, सो रही थी, पर संगत जी उसके पेट में से ना आवाजें आ रही थी, पेट में से, और ऐसी वैसी आवाज भी नहीं, बड़ी तेज तेज आवाजें आ रही थी। अब मैं बड़ा एकदम से मैं घबरा गया, मैंने कहा ये क्या आवाजें क्यों आ रही हैं। संगत जी देखो घबरा जाते हैं, माँ बाप घबरा जाते हैं। मैंने उसी वक्त रात हो गई थी तब, तो मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब ये पेट में से आवाज क्यों आई, कहते आप एक बार ही ना कल मुझे दिखा जाओ, क्योंकि अभी तो मैं घर आ गया हूँ और अभी तो आपकी बेटी भी सो रही है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप कल एक बार दिखा जाना मुझे, मैं बता दूंगा आपको, एक बार कल सुबह ले आना आप अपनी बेटी को मेरे यहाँ क्लिनिक में। संगत जी अगले दिन सुबह ही मैं ले गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं मेरे को जिस हिसाब से आपने मुझे बताया था आवाज आ रही है, पेट में इन्फेक्शन है, तो ये पेट का दर्द नहीं है खाली, ये खाली इन्फेक्शन ही नहीं है, ये पेट में और कोई बीमारी है। संगत जी आप देखो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया मेरी बेटी का, 5 साल की बेटी मेरी, उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया संगत जी, कुछ भी नहीं, जबकि डॉक्टर कहते हैं एक बार ऐसे ही मेरे पास पेशेंट आए थे, उनकी बेटी को भी पेट में दर्द था, पेट में इन्फेक्शन था, पेट में से आवाजें आती थी, तो उनको मैं बताऊंगा नहीं आपको उनको क्या बीमारी थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब बताओ मुझे आप, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या बीमारी थी, एक बार आप मुझे बताओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा उसको कैंसर हो गया था। संगत जी साहब लगा लो आप, ये सारी कृपा गुरु जी की सिर्फ एक बारी में। संगत जी
एक बारी हम लोग वहां गए सत्संग में, वहां जाके तो हमने बोला भी नहीं कुछ गुरुजी को, हाथ भी नहीं जोड़े संगत जी मैंने तो, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने गुरुजी के आगे जाके हाथ भी नहीं जोड़े, बस ऐसे ही जाके बैठ गया या वहां बातें बातें करी जिनके मतलब जिनके यहाँ सत्संग था, प्रसाद खाया घर आ गया। मैंने इतना ही काम किया संगत जी बस, और आप देख लो ना बोला गुरुजी से कि मेरी बेटी को ठीक कर दो गुरुजी, मेरी बेटी बीमार है, ये है वो है, कुछ भी नहीं बोला संगत जी, पर फिर भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमें मिली है। फिर भी यही होता है संगत जी, गुरुजी के दरबार में ऐसा ही होता है। और सिर्फ यही नहीं, मेरी बेटी ठीक हुई, उसके बाद मेरा संगत जी इतना बड़ा नुकसान होने से गुरुजी ने बचा लिया मुझे, वरना संगत जी मैं तो लुट गया था बिल्कुल, मैं तो दिवाला निकल गया था मेरा, जबकि मैं एक ज्वेलर हूं संगत जी। हम लोगों का नुकसान बहुत कम होता है संगत जी, बहुत कम, पर उस टाइम मेरा इतना नुकसान हो गया था कि अगर मैंने आपको अमाउंट बता दिया ना तो आप सब हैरान हो जाओगे। पूरे 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान होते होते बचाया गुरुजी ने, 2.5 करोड़ का। डायमंड से संगत जी वो मेरी दुकान से गायब हो गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ चले गए। आंटी से पूछा, आंटी को नहीं पता, अपने जो एम्प्लॉयज है उनसे पूछा, उनको नहीं पता, मेरे को वैसे याद नहीं रहता कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। सेफ में देख लिया, सब जगह देख लिया, बैंक के लॉकर में जाके देख लिया, जो मेरा लॉकर है बैंक में वहां भी कुछ नहीं। संगत जी वो 2.5 करोड़ के डायमंड्स थे जो कि मतलब मैंने किसी को देने थे, नुकसान तो मेरा ही था ना। गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी संगत जी, ऐसी कृपा करी कि मेरे को अपने घर में से मिल गए वो डायमंड्स, जबकि मैं कहां कहां वो ढूंढ रहा था, बैंक तक हो आया, लॉकर तक देख लिए, अपने स्टाफ से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, पर किसी के पास जवाब नहीं था, किसी के पास भी। तो संगत जी ऐसे कर करके सत्संग तो बहुत है गुरु जी के, मतलब अभी सुबह है, आज 15 अगस्त है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी, आज 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। देखो आप गुरु जी के सत्संग इतने हैं, अभी सुबह है ना, दोपहर है, रात हो जाएगी फिर भी सत्संग खत्म नहीं होने वाले, इतने सत्संग है कि हर मतलब उस पे गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाती है, हर मोड़ पे गुरु जी की ब्लेसिंग है। जो काम करने लगो गुरु जी उसको ब्लेस कर ही देते हैं संगत जी, कहीं ना कहीं से, हम चाहे गुरु जी से कहें ना कहें, बोले ना बोले, गुरु जी ने तो ब्लेस करना ही करना है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं संगत जी। चाहे वो नई संगत है, पुरानी संगत है, पहली बारी गया है, दूसरी बार गया है, गुरु जी को इससे कोई लेना देना नहीं है संगत जी। ये तो हम लोग ही बोल देते हैं कि मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, दूसरी बार जा रहा हूँ, वो तो 5 साल से जा रहे हैं, उन पे तो ज्यादा कृपा है गुरु जी की, हम तो अभी अभी जा रहे हैं। संगत जी ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे आप पहली बार जाओ चाहे 100वीं बार जाओ, गुरु जी आपको एक जैसी ब्लेसिंग ही देंगे, एक ही कृपा करेंगे गुरु जी महाराज आपके ऊपर। तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जाए, और संगत इसको सुने, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।